इकबाल राहत की। आप सबको पता है कि शर्जिल उस्मानी करके कोई मुस्लिम एक्टिविस्ट ने रोहित सरदाना की डेथ के ऊपर अफसोस जाहिर नहीं किया था। वो रोहित सरदाना जिसकी थॉट प्रोसेस शर्जिल उस्मानी से अलग थी, मगर हमें नहीं पता रोहित सरदाना की मौत किस वजह से हुई। वॉज इट अ नेग्लिजेंस बाय डॉक्टर्स ट्रीटिंग हिम? वॉट वॉज द रियल रीजन? शर्जिल उस्मानी ने ये बात को नजरअंदाज करते हुए रोहित सरदाना को उसकी मौत में भी अटैक किया। ध्रुव राठी जैसे लोग जो कहते हैं कि कंगना वॉज इंसाइटिंग द पीपल फॉर वायलेंस, प्रोवोकिंग अ जेनोसाइड, ध्रुव राठी को मैं इतना कहना चाहती हूं कि कंगना सिर्फ ये रिएक्शन दे रही थी बिकॉज शी वॉज सीइंग वीडियोज ऑफ हिंदू वुमेन बीइंग रेप्ड, अटैक्ड, असॉल्टेड, हिंदू हाउसेज बीइंग बर्न्ड। वो फुटेज देख के उसका एक रिएक्शन आया। अगर आपको कोई मारने आता है तो क्या आप अपने आप को डिफेंड नहीं करते? हमने तो जाके किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, टीएमसी के वर्कर्स आकर बीजेपी के वर्कर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं जो हिंदू थे, क्यों कर रहे हैं? अगर कोई आपके ऊपर अटैक करेगा तो क्या आप अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे? ध्रुव राठी, आप हिंदू हो कि क्या हो, कि कायर हो? क्योंकि हमारे जो संस्कृति में एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। अहिंसा मनुष्य का परम धर्म होना चाहिए, किंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। आपको समझना चाहिए, कोई आके हमारे घर में हमको मारेगा, हमारी औरतों को जलाएगा, हमारी औरतों का बलात्कार करेगा, तो क्या हम अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे? क्या हम कायर हैं? मगर हाँ, मैं एज अ सनातनी कभी किसी के ऊपर पहले वार करने को नहीं बोलूंगी, मगर अपना बचाव करना आवश्यक है। अगर बीजेपी की सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं कर रही है। नमस्ते, जय हिंद।